प्रीति रघुनंदन और आप देख रहे हैं सबसे बड़ा दंगल न्यूज 18 इंडिया पर। पांच राज्यों के चुनावों से जुड़ी सबसे बड़ी कवरेज आप देखेंगे न्यूज 18 इंडिया पर। पांच राज्यों के चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है न्यूज 18 इंडिया पर। चुनाव ऐलान से जुड़ी सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है और कब होने वाले हैं पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में चुनाव, पश्चिम बंगाल में कितने चरणों में होंगे चुनाव, असम में कितने चरणों में होंगे चुनाव, काउंटडाउन लगातार चल रहा है। शाम 4:30 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। न्यूज 18 इंडिया पर हर अपडेट आपको डिटेल में मिलेगा लगातार। तो बड़ी तस्वीर, बड़ी कवरेज क्या होने जा रही है इन राज्यों में चुनाव को लेकर। साथ ही आपको ये बता दें देश के पांच राज्यों में चुनावों का जोश हाई है। राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से पूरा जोर लगा रहे हैं। नजर डाल लेते हैं आखिर किस राज्य की कितनी सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ये पश्चिम बंगाल की। ये पश्चिम बंगाल जो इस बार सियासी उफान यहां मचा हुआ है, यहां पर 294 विधानसभा सीटें हैं जहां चुनाव होने हैं। असम की 126 सीटों पर मतदान होना है। तमिलनाडु में 234 सीटों पर चुनाव होने हैं। केरल में 140 सीटों पर, विधानसभा सीटों पर मतदान होना है, जबकि पुदुचेरी की 30 सीटों पर चुनाव होने हैं। और ऐसे में उम्मीद है कि पश्चिम बंगाल और असम में कई चरणों में मतदान होगा। चुनाव की तारीखों के ऐलान में बस अब कुछ ही वक्त बाकी रह गया है। तो सभी की निगाहें हैं न्यूज 18 इंडिया पर। लगातार बड़ी कवरेज आप देखेंगे इलेक्शन कमीशन की। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसका इंतजार किया जा रहा है। कोलकाता से यतेंद्र शर्मा, दिल्ली से विक्रांत यादव और नीरज कुमार हमारे साथ, गुवाहाटी से साथी निलॉय भट्टाचार्य जी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं रुक करूं, उससे पहले आपको बता दूं, ये देखिए हमारी बड़ी कवरेज पर हमारे लगातार रिपोर्टर डटे हुए हैं। नीरज और यतेंद्र को आप देख रहे हैं और जैसे जैसे तारीखों का ऐलान होगा और रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ेंगे। कोलकाता से यतेंद्र, क्या खबर? देखिए कोलकाता की मैं बात करूं तो पूरे पश्चिम बंगाल का तापमान काफ़ी बढ़ गया है और खासकर सियासी तापमान की मैं बात करूं तो पूरा घमासान सियासी तौर पर मचा हुआ है। जहां जो मुख्य लड़ाई जो मानी जा रही है वो टीएमसी और बीजेपी के बीच में मानी जा रही है। हालांकि लेफ्ट और कांग्रेस के गठबंधन पर भी सबकी निगाहें बनी रहेंगी। तो कहीं ना कहीं जो कश्मकश है वो तारीखों को लेकर वो कुछ समय के बाद साफ हो जाएगी, लेकिन ये पश्चिम बंगाल किसकी झोली में जाएगा इसको लेकर कश्मकश लगातार रहेगी, लगातार जारी रहेगी। और इसके साथ ही जो संघर्ष है वो और ज़्यादा बढ़ेगा पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में, उनके कार्यकर्ताओं के बीच में। जहाँ तक आज की मैं बात करूँ तो आज भी काफ़ी तल्ख तेवर राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के रहे। जब ममता बनर्जी लगातार मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आ रही हैं, वहीं उन पर पलटवार करते हुए बीजेपी के नेता भी नजर आ रहे हैं। खुद स्मृति ईरानी ममता बनर्जी को जवाब देते हुए आज स्कूटी यात्रा की, उन्होंने साफ कहा कि उनको रथ को जो उनका रथ है उसको अगर रोका जाएगा तो वो स्कूटी पर आ गई, और स्कूटी को भी रोका जाएगा तो वो पैदल यात्रा करेंगी। लेकिन उन्हीं के अंदाज में जवाब स्मृति ईरानी का आज काफ़ी चर्चित रहा। 25 किलोमीटर तक करीबन उन्होंने स्कूटी चलाई और साफ मैसेज दिया कि अब परिवर्तन का समय आ गया और बीजेपी इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। और आने वाले समय में प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की भी काफ़ी बड़ी जनसभाएं करने का यहां पर प्लान है। यानी कि करीबन 1500 से ज़्यादा जो जनसभाएं होंगी वो केवल पश्चिम बंगाल में बीजेपी करेगी और उसको पूरा मत दिया जाएगा। इस तरह की रणनीति है। हर विधानसभा में, हर लोकसभा क्षेत्र के हिसाब से जो विधानसभा सेक्टर में बांटे गए हैं वहाँ पर बीजेपी ने अपने केंद्रीय मंत्रियों की, सांसदों की और विधायकों की रणनीति के तहत उनकी जिम्मेदारी लगा दी गई है। और जो समुदाय वाइज है कि कोई भी समुदाय रहना जाए उसके जो प्रभावी नेता है उनकी इस जगह से रणनीति के तहत ड्यूटी लगाई है, जिसका फायदा बीजेपी को सियासी तौर पर मिले। चलिए निलॉय भट्टाचार्य जी का रुख कर लेते हैं। निलॉय, इस बार बीजेपी का क्या एजेंडा है वहां सीटों को लेकर? क्योंकि जो डेटा है 2016 विधानसभा चुनाव का तो 74+ सीटें थी। इस बार क्या सोच रही है बीजेपी और दूसरी पार्टियां भी? देखिए बीजेपी का तो कहना है कि इस बार पिछले बार से संख्या और भी अधिक होगा। पिछले बार 74 था, इस बार मिशन 100+ पे बीजेपी काम कर रही है और उसके तहत देश के प्रधानमंत्री इस राज्य में 3 बार का दौरा लगा चुके हैं। अमित शाह हर बार यहाँ आ जाते हैं और बीजेपी का इस बार के अगर प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर के अगर दौरा आप देखें तो अधिकतर दौरे उसी जगह में हुआ है जहाँ पर बीजेपी का मूलभूत वोट्स वहाँ पर बसे हुए हैं, जैसे ट्रेडिशनल असमिस वोटर्स हुए, चाय बागान के जो वोटर्स हैं और जो ट्राइबल वोटर्स हैं, इन
तवज्जो दे रही है बीजेपी और उसका लोहा ले रहा है कांग्रेस। कांग्रेस अब जो ग्रैंड अलायंस की तरफ आगे बढ़ रही है, एयूडीएफ के एयूडीएफ और जो वामपंथी दल है उनके साथ एकजुट होकर अलायंस बना के कांग्रेस आगे बढ़ रही है। और अगर इस बार ये कि कांग्रेस की जो अगर कंपेन देखें तो कांग्रेस अब तक राहुल गांधी को एक बार यहाँ पे ला चुका है और मार्च महीने के पहले ही प्रियंका गांधी और राहुल गांधी फिर से दौरा लगाएंगे असम के। और इस बार अगर डिजिटल और ट्विटर का और सोशल मीडिया की जो कैंपेन की बात करें तो कांग्रेस ने भी इस बार ये लड़ाई बहुत फ्रंट फुट पे ले लिया है और कांग्रेस इस बार कैंपेन मुख्य तरीके से का या सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की खिलाफ जो उनकी जंग है, जो मुहिम है, उसको लेके आगे बढ़ रही है। और लोगों को जो लोग का नहीं चाहती है और कांग्रेस का मानना है कि असम के अधिकतर लोग जो यहाँ के मूलभूत लोग हैं वो का नहीं चाह रही है। और अगर का नहीं चाहने वाले लोग कांग्रेस के साथ जुट जाए तो इस बार टक्कर लोहे का है कांग्रेस और अलायंस और बीजेपी के साथ। और दूसरी ओर अगर आप जो इलेक्शंस की डेट्स के बारे में देखें तो ये कहा यहाँ पे जो राजनीतिक दल है अमूमन सब राजनीतिक दलों का यही मांग था कि क्योंकि असम की सबसे बड़ा त्यौहार बोहाग बिहू 14 अप्रैल से शुरू हो रहा है तो बोहाग बिहू से पहले ही जो चुनावी प्रक्रिया है वो खत्म हो जाए। कब ये माना जा रहा है कि दो चरणों में इस बार की चुनाव असम में होगी। हालांकि एक राजनीतिक दल तमिलनाडु की भी बात करेंगे, पुदुचेरी की भी बात करेंगे, लेकिन अभी रुक कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी और जुड़ गए हैं, विक्रांत, नीरज। नीरज के लिए बता दें कि सबसे पहले उन्होंने बता दिया था कि फरवरी के अंत महीने में ही चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तारीखों का ऐलान कर देगा। तो विक्रांत आप विज्ञान भवन में मौजूद है, साथी नीरज आप भी मौजूद है, वहां से क्या खबर आ रही है विक्रांत? देखिए अब से कुछ ही देर बाद 4:30 बजे यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी दिल्ली का विज्ञान भवन। आप देख सकते हैं कि बाहर भी मीडिया का जमावड़ा लगना शुरू हो गया क्योंकि सभी लोग इस इंतजार में हैं कि कब इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो और अंदर भी मीडिया के लोग जाने लगे। सुरक्षाकर्मी गेट पर खड़े हुए हैं जो प्रेस का आई कार्ड देखने के बाद ही अंदर जाने दे रहे हैं। तो एक तरह से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस पर सभी का इंतजार था आज 4:30 बजे इसी विज्ञान भवन में होगी। और बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव इस बार इसलिए है कि एक भी राज्य हिंदी भाषी नहीं है, लेकिन बावजूद इसके जो हिंदी भाषी क्षेत्र है वहां पर भी पूरा इंटरेस्ट है, पूरा लोग जानना चाहते हैं कब चुनाव होगा, कैसे होगा, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरीके से अपना पूरा कैंपेन किया है बंगाल में अभी चुनाव की तारीख शुरू आई नहीं है, आज वो तारीख आएगी। और कहा यह जाता था कि चुनाव की तारीख का ऐलान होने के बाद चुनाव खड़ा करती थी राजनीतिक दल, लेकिन बीजेपी ने इस बार इतना धुआंधार अपना प्रचार किया कि चुनाव की तारीख की घोषणा से पहले ही बंगाल में सियासी गर्मी एकदम अपने उफान पर है और वहां पर बीजेपी और टीएमसी दोनों के बीच एक सीधा कड़ा मुकाबला है और इसी कारण लोगों की निगाहें उस पर टिकी हुई है। असम की बात करें, बीजेपी दोबारा से सत्ता में आने की पुरजोर कोशिश कर रही है और इसी तरह दो और बड़े राज्य तमिलनाडु और केरल भी हैं जिस पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। पुडुचेरी में सरकार कांग्रेस ने अभी कुछ ही दिन पहले अपनी गवाही, तो क्या वो सरकार बना पाएगी या इस बार उसे मात खानी पड़ेगी। महत्वपूर्ण चुनाव इसीलिए पांचों राज्यों के चुनाव बेहद ही महत्वपूर्ण है और सभी राजनीतिक दलों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। टीएमसी के लिए ये एकदम जीवन मरण का सवाल है क्योंकि 10 सालों से राज्य की सत्ता पर वो सत्तासीन थे और इस बार बीजेपी उन्हें एक बड़ी चुनौती दे रही है। जबरदस्त चुनाव होने जा रहे हैं और सबसे टफ जो मुकाबला है वो होगा पश्चिम बंगाल में और साथ ही बाकी राज्यों पर भी हमारी निगाह रहेगी। हम सीधे रुक कर लेते हैं नीरज का। नीरज, इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस से संबंधित खबर पर मोहर आपने लगवाई विज्ञान भवन पर, अब कौन सी खबर आप देने वाले हैं जो खबर पर मोहर एक बार फिर से लगेगी न्यूज 18 के व्यूवर्स के जरिए? देखिए 4:30 बजे जब मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्त बैठेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए और पांचों राज्यों के चुनाव की घोषणा के लिए, तो सबसे पहली बात जो सामने आएगी पश्चिम बंगाल में मल्टीफेज चुनाव होगा, यानी कई चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। 6 से 7 चरणों में चुनाव की उम्मीद है जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है। इसके अलावा असम में 2 से 3 चरण, केरल में 1 चरण की उम्मीद है, लेकिन 2 चरणों के विकल्प पे भी चुनाव आयोग ने विचार किया था इसलिए उस संभावना से इनकार नहीं कर सकते। तमिलनाडु 1 फेज, पुदुचेरी 1 फेज, तो ये तो हुए चरण की बात। दूसरी चीज, बिहार मॉडल पे चुनाव कराए जाएंगे पांचों राज्यों में, जिस तरह से बिहार मॉडल में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया गया था और केरल में जिस तरह से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं उसको चुनाव आयोग ने बहुत ध्यान में रखा है और तमाम कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। एक कमेटी का गठन किया गया है तमाम राज्यों में जो सुरक्षा व्यवस्था को देखेगी, यानी अर्धसैनिक बलों और पुलिस के जवानों की तैनाती की करेगी। इस कमेटी की खास बात यह है कि पहली बार
अर्धसैनिक बलों के नोडल अधिकारी को इसमें शामिल किया गया और बाकी चुनाव आयोग के एक अधिकारी और दूसरी तरफ पुलिस के एक अधिकारी होंगे। तो बंगाल में चुनौती कानून व्यवस्था को लेकर है चुनाव आयोग की, तो तमिलनाडु में धन के दुरुपयोग को रोकने की, और इन सब के बीच प्लान तैयार किया गया है चुनाव आयोग की तरफ से। तो 4:30 का इंतजार करना होगा और 5 बजे तक, क्योंकि 4:30 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होगी तो 5 बजे तक आपको पता चलेगा कि कितने चरणों में कहां कहां चुनाव कराया जाएगा। चलिए नीरज, आपने लॉ एंड ऑर्डर की बात करी, मैं यही सवाल लेकर यतेंद्र के पास चली आती हूँ। यतेंद्र, लॉ एंड ऑर्डर कोलकाता में मौजूद है, जरा बताइए क्या क्या जानकारी वहां से आ रही है इस बारे में। देखिए, अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर यहाँ एक बड़ा मुद्दा रहा है, चाहे प्रधानमंत्री मोदी आए हो या गृहमंत्री अमित शाह, उनके आक्रामक तेवर हमेशा से लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे को लेकर वो बड़े काफ़ी हावी रहे हैं और हर जनसभा में इस मुद्दे को उठाया भी जाता है। और जहाँ तक राजनीति की बात है साउथ में और खासकर पश्चिम बंगाल में, तो संघर्ष की राजनीति मानी जाती है और संघर्ष की जो राजनीति है वो ममता बनर्जी ने जो लेफ्ट से 34 साल की जो सत्ता छीनी, वो शायद यही कारण था कि ममता बनर्जी ने उस वक्त संघर्ष किया लेफ्ट की राजनीति, लेफ्ट की सत्ता से, और सड़कों पर उतरकर किया। नंदी और सिंगूर जो आंदोलन हुए वो शायद उसी की देन थे। और इसी तर्ज पर पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने उसी रणनीति के तहत काम करना शुरू किया और आक्रामक रणनीति, जिसे संघर्ष की रणनीति कहते हैं, वो बीजेपी यहाँ पर जमीनी धरातल पर करती हुई नजर आ रही है। और आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से लग रहे हैं, दोनों ही तरफ के राजनीतिक कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं। बीजेपी की तरफ से दावा है कि उसके 134 कार्यकर्ताओं को राजनीतिक तौर पर, राजनीतिक हिंसा जिसको नाम दिया जाता है, उसको उनको मौत के घाट उतार दिया गया। तो ये पश्चिम बंगाल की जनता देख रही है। और एक बदलाव की बात जो बार बार बीजेपी अपनी तरफ से कर रही है कि जो हिंसा का दौर अब खत्म होना चाहिए, विकास का दौर चलना चाहिए, इस तरह के मुद्दे यहाँ पर उठाए जा रहे हैं और बार बार बदलाव की बात बीजेपी के द्वारा कही जा रही है, क्योंकि संघर्ष की राजनीति यहाँ पर हमेशा से यहाँ का प्राण मंत्र रहा है। तो वो जो बार बार मैं कह रहा हूँ संघर्ष, इसी वजह से शायद बीजेपी के नेता जमीनी धरातल पर है। और आज जो स्मृति ईरानी की जो स्कूटी रैली हुई वो भी उसी का पलटवार था कि जमीन पर आने से बीजेपी के नेता गुरेज नहीं कर रहे हैं, चाहे वो पदयात्रा की बात हो, चाहे परिवर्तन यात्रा की बात हो, लगातार इस तरह की बात है, चाहे टीएमसी की तरफ से हो बीजेपी की तरफ से, वही राजनीति यहाँ पर दिखाई दे रही है। चलिए निलॉय का रुख कर लेते हैं, गुवाहाटी से हमारे साथ है निलॉय। जरा जानकारी दीजिए कि जाहिर तौर पर 2016 में जो सीटें थी 74 बीजेपी प्लस की, वो उत्साह करने वाली थी बीजेपी के लिए कि हम टफ फाइट देंगे, लेकिन और कौन सी इन 5 सालों में वजह आ गई है जिसमें इस बार लग रहा है बीजेपी को प्रदर्शन उस वाले आंकड़े से बहुत बेहतर होगा? देखिए, अगर बीजेपी के आंकड़े अगर 74 से आगे निकलना है तो बीजेपी ने पिछले 5 सालों में असम में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मूलभूत सुविधाओं की जो विकास है उस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया था, और जिसके चलते जिसका परिणाम बीजेपी को शायद इस चुनाव में मिलेगा, क्योंकि असम में अगर सड़कों की कनेक्टिविटी की बात है, ब्रिज की बात है, पिछले एक महीने में ही करीबन 3-4 ब्रिजों का शिलान्यास किया गया है, 3-4 ब्रिज उद्घाटन किया गया है, जो यहाँ की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, मेडिकल कॉलेज की बात करें या इंजीनियरिंग कॉलेजेस के, जो शिक्षा की जो मूल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी बात करें, तो पिछले 5 सालों में करीबन 13 मेडिकल कॉलेजेस का यहाँ पे उद्घाटन किया गया है, और उसी आंकड़े में इंजीनियरिंग कॉलेज भी उभर के आए हैं। महिलाओं की यूनिवर्सिटी की बात करें, खेल यूनिवर्सिटी की बात करें, तो जो शिक्षा के माहौल है उस पर बहुत ज़्यादा काम किया गया है। और इलेक्शन लड़ने का जो एजेंडा है बीजेपी का, वो जो मूलभूत सुविधाओं में जो विकास हुआ है, जो डेवलपमेंट हुआ है, और डेवलपमेंट के चलते जो असम में विकास हुआ है वही है। प्रधानमंत्री बार बार यही कहते रहे हैं कि वो अष्टलक्ष्मी है भारत का उत्तर पूर्व, और असम अष्टलक्ष्मी का मूल भेटी है, और उस पे वो जब अग्रणीय स्थान में रहेगा तो लक्ष्मी के जरिए कितनी और विधानसभा सीटें बढ़ा पाती है बीजेपी, इस पर लगातार बीजेपी काम कर रही है। हमारे सभी संवाददाता जुड़े हुए हैं। आज लगभग 1 घंटा 25 मिनट के बाद इलेक्शन कमीशन की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिनमें 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का चरणबद्ध तरीके से ऐलान किया जाएगा, इस पर न्यूज 18 पर बड़ी कवरेज आप लगातार देखेंगे और ये तमाम जानकारियां लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। वक्त एक ब्रेक का, जल्द रहे हैं। चुनाव का आज ऐलान होगा, शाम 4:30 बजे साफ हो जाएगा। अर्पिता, अब ये चुनाव की घोषणा 5 राज्यों में आज 4:30 बजे चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग करेगा दिल्ली के विज्ञान भवन में। और सबसे खास बात यह है कि न्यूज 18 इंडिया की टीम बार बार ये कह रही थी कि फरवरी के अंत तक चुनाव की घोषणा होगी, बंगाल, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, असम में चुनाव की घोषणा हो जाएगी।